गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय डेली व्यू चैनल। मैं बढ़िया हूँ, आई होप आप लोग भी बढ़िया होंगे। आज मैं आया हूँ पटना NIT कॉलेज, जो है पटना NIT, वहीं पे एक नर्सिंग चाय वाली हुई है। ग्रेजुएट चाय वाली जब कैंपेन चला था ग्रेजुएट चाय वाली से, इसके बाद पटना में ग्रेजुएट चाय वाली, आत्मनिर्भर चाय वाली, इंडिपेंडेंट चाय वाली, बहुत सारे चाय वाली आ रहे हैं। और चाय को लेके ये अब बिजनेस काफ़ी बढ़िया होने लगा है, लोग इसको एंजॉय करते हैं। और पहले जो चाय बेचना ऐसे लोग अच्छा नहीं मानते, उसको भी बढ़िया मानने लगे। तो ये NIT का लुक है, हम उनसे बात करेंगे। ये माँ काली नर्सिंग चाय वाली है, इसका ये चाय काउंटर का नाम माँ काली नर्सिंग चाय वाली। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी या कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, इसका टैगलाइन है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे ये इस फील्ड में कैसे आई, क्यों आई, चाय बेचना ही क्यों स्टार्ट कर दी। चलिए हम चलते हैं, उससे जानते हैं। काली नर्सिंग चाय वाली यही है, आपका नाम क्या है? प्रीति झा। प्रीति झा जी, आप प्रॉपर पटना से हो? नहीं, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। भागलपुर से। कब से आपने स्टार्ट किया? एक मंथ हो गया, पहले मैं टेबल पे बेच रही थी, ये तो 15 दिन हुआ है सेटअप लगाया। पहले टेबल पे कहाँ बेचते थे? शंकर बाग डोमिनोज पिज्जा के अपोजिट। तो पहले भी बेचते थे ना? जी। तो क्या, कैसा आपने ये इस बिजनेस को कैसे चॉइस किया? कर लिए, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखे थे, प्रियंका मैम का भी वीडियो देखे, और भी वीडियो सब देखे, तो फिर सोचे कि चलो हम भी करते हैं, जब लड़की सब कर रही है तो हम भी कर लेते हैं। और ये माँ काली नर्सिंग चाय वाली, नर्सिंग का क्या लॉजिक है? क्योंकि मैं नर्सिंग कोर्स कर रखी हूँ इसलिए। तो नर्सिंग कोर्स कर रखे हो, तो नर्सिंग में आपने ट्राई नहीं किया? जी हाँ, ट्राई किया, नहीं अभी मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा, नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ? आपने नर्सिंग का अभी कोर्स कंप्लीट हो गया, रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, तो फिर से आप कोर्स में, जैसे अभी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो नर्सिंग के लिए ट्राई करोगे? हाँ, ट्राई तो करूंगी, आगे देखूंगी, बट मुझे यहाँ से स्कोप ज़्यादा बेटर नज़र आ रहा है। अच्छा, चाय में ही स्कोप बढ़िया लग रहा है? हाँ, नज़र तो आ रहा है, आगे तक ले जाओ। तभी आप पहले टेबल पे बेचते थे, अब अच्छा खासा काउंटर बना लिया आपने, है ना? एक्सपेक्टेड तो होगा आपका, जैसे डेवलप करते जा रहे हो और डेवलप करना है आगे। जी, डेवलप तो करना है सर, डेवलप तो करना है, खुद के लिए नहीं, खुद की बेटी के लिए करना है। आप अपने पेरेंट्स को बता चुके हो? बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स तो सपोर्ट करते हैं। तो पेरेंट्स सपोर्ट किए हैं चाय बेचने के लिए ना? बिल्कुल। आप किससे इंस्पायर हुए? इंस्पायर सच बोले तो मोदी जी से तो पहले से थे ही, बट यहाँ सड़क पे पहले आई, प्रियंका जी भी आई और भी लड़कियाँ आई, सबसे हुए, सब लोग हिम्मत बनाए, साथ में हम भी बनाए। तो प्रियंका गुप्ता से आप कभी बात की है या उससे मिली? मैं मिली हूँ ना, उनके यहाँ जाके चाय पी कर आई थी। अच्छा, और ऐसे 3-4 चाय बेचने वाली है? हाँ, मैं सबसे मिल चुकी हूँ, पूजा से मिल चुकी हूँ, कल पूजा आई थी मेरे पास यहाँ मेरे स्टॉल पे, तो उनसे भी मिल चुकी हूँ। और उसके बाद मोना भी आई थी मेरे से मिलने यहाँ पर, मैं भी उनसे मिलने गई थी, अपने स्टॉल लगाने के पहले चाय पीने के लिए गई थी। अच्छा। हाँ, तो आते रहते हैं सब ग्रुप। तो आप लोग चारों, जैसे 4-5 लोग हैं चाय, ऐसे चाय बेचने वाले, तो आप लोग आपस में मिलकर डिस्कस भी करते हैं जो कैसे क्या बिजनेस को इम्प्रूव किया जाए? नहीं नहीं, हम लोग, हम नहीं, पूजा आई थी तो कुछ डिस्कशन हुआ था, बट प्रियंका मैम से कोई डिस्कस नहीं हुआ है मेरा। अच्छा। हाँ, अच्छा, उससे बात नहीं हुई, वो इधर नहीं आई थी, आप गए तुमसे? नहीं, मैं गई थी ना, जब मैं स्टॉल नहीं अपना लगाई थी उससे पहले गई। अच्छा, तो उनसे बातचीत हुआ था? हाँ, बातचीत हुई। उससे कुछ मोटिवेशन मिली थी आपको? नहीं, वैसे कोई बात नहीं हुई थी, बस नॉर्मली बात हुई थी। अच्छा, आपने जो किया है बहुत अच्छा किया है, जैसे समाज में बदलाव की जरूरत थी, आज आप उस बदलाव का हिस्सा है, नहीं तो पहले लड़कियां ऐसे करती थी, बहुत कम रेयर केस में करती थी, ऐसे सबको इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। आज मैं पहले से इंडिपेंडेंट होती तो शायद मुझे इतना प्रॉब्लम का सामना नहीं करना होता। अच्छा, ऐसे यूट्यूब हम या कहीं से सुने थे आप मैरिड हो? जी हाँ, मैरिड हूँ। अच्छा, चलिए बढ़िया, हमारी शुभकामना यही है जो आप इसको ये स्टॉल से रेस्टोरेंट तक ले जाओ और आप जिंदगी में सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते जाओ। बिल्कुल सर, जरूर जरूर। हम इनका चाय टेस्ट करेंगे, बताएंगे कैसा चाय है। दो आप चाय दे दीजिए, चाय पी के हम आपको बताएंगे कैसा ये माँ काली नर्सिंग का चाय कैसा टेस्ट है, हम सब बताएंगे और आगे हम डिटेल बताते, पहले हम इनका चाय टेस्ट करते हैं। अभी मैं चाय पी के आपको बताऊंगा कैसा टेस्ट है और कितना कॉस्ट है, अभी पता नहीं है हम लोग को, अब 20 रुपये से कम का चाय मिलता नहीं है कहीं पे, तो इसका हम टेस्ट बताएंगे। मैम, आपकी चाय बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है।
अच्छा, ये चाय का ये चाय पत्ती आप लोग कहाँ से लाते हो? चाय पत्ती ऑनलाइन मंगवाई थी सर। अच्छा, चाय पत्ती बाहर से, इधर नॉर्मल चाय पत्ती यूज नहीं किया जाता? नहीं, नॉर्मल चाय पत्ती नहीं सर। नॉर्मल चाय पत्ती तो 200-250-300 रुपए किलो मिलता है। मेरा जो फ्लेवर है चाय पत्ती का, ये 100 ग्राम 450 रुपए का मिलता है। अच्छा, आपका टाइमिंग कितने बजे से कितने बजे तक होता है यहाँ? मॉर्निंग के 9-10 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक। अच्छा, और चाय बनाने का जो तरीका है वो कैसे आप बनाते हो? जैसे ऐसे घर में चाय बनता नहीं है नॉर्मली, और ऐसा चाय तो घर से आप यहाँ आ जाए कीजिए पीने के लिए, मेरा भी सेलिंग बढ़ जाएगा, एक कस्टमर बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा चाय है, मतलब चाय बनाने का तरीका आपका सीक्रेट है, ये नहीं शेयर करोगे? नहीं, क्यों नहीं शेयर करेंगे सर, सब कोई सीख जाए और सब कोई करे। हम तो ये चाहते हैं कि हर कोई आगे बढ़े, ऐसा कुछ नहीं। आपने बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई लोग ऐसे अपना जो जैसे सीक्रेट होता है शेयर नहीं करते रहते हैं, एक दूसरे को लोग टांग पीछे खींचने में लगे रहते हैं आजकल तो। लेकिन टांग खींचने वाले आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आप बहुत मोटिवेटेड हो, बहुत आगे तक जाओगे। थैंक यू सर, आपकी चाय भी बहुत प्यारी है। थैंक यू। ऑल आप इंस्टाग्राम भी चलाते ही होंगे? मेरा नाम पवन कुमार हुआ। कैसा है चाय? बढ़िया है, बहुत मस्त है। पटना का चाय जो था पहले आप पीते ही होंगे? हाँ, का कुल्लर चाय, ये चाय, वो चाय, उससे बढ़िया है? उससे बढ़िया है। उससे बढ़िया है। हाँ, पहले आप चाय पीते थे या आज पहली बार पी रहे हैं? ना, हम तो पहले ही पीते थे। पहले भी पीते थे, चाय का शौकीन है? हाँ, चाय का शौकीन है। घर वाली चाय जैसे है? हाँ, घर जैसे। हाँ, घर जैसा है। थैंक यू। जानते हैं या जो भी जो मेरे नई है, नए पटने में आई है, स्टार्ट किया है बिजनेस, तो ये भी आगे अपने लाइफ में बढ़े, इसी कामना के साथ हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे फिर से, तब के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बाय।